my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to judge. Yeah, nuts for my gang. Give me just a stamp. Hello guys, ki hal hai tuhanda. Thank you so much for 1000 plus subscribers. You know, when I started, mujhe lagta nahi tha ki main itna grow kar jaungi. To aaj ki video Q&A special hai. To chalo bhai shuru karte hain. Sabse pehla question hai IG Fizza ka. Wo kehti hain, what motivation made you to start this YouTube channel and what do you do while quarantine? Love you. Meri family mashallah se bahut supportive hai. Even they helped me out in my scripts aur unhone hi mujhe sabse pehle channel banane pe motivate kiya tha. Aur yaar in dino kuch bhi nahi kar rahi yaar ghar की काम कर रही हूँ, पबजी खेल रही हूँ और सो रही हूँ, खा पी रही हूँ और कुछ खास नहीं कर रही. और इवन मेरी तो वीडियोस भी लेट हो रही हैं. आई डोंट नो व्हाई, मेरा हमेशा दिल करता कि मैं 2 से 3 दिन के बाद वीडियो अपलोड करूँ, बट आई डोंट गेट सच टाइम. सेकेंड क्वेश्चन है ब्रीफिंग रिकॉर्ड्स का. इन्होंने कहा है, फेस रिवील कब करेंगी और कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती हैं और एडिटिंग में कितना टाइम लगता है. थैंक यू सो मच. एंड फेस रिवील का एज सच कोई प्लान तो कोई नहीं है, बिकॉज मेरे कंटेंट में मेरा फेस होना जरूरी नहीं है. एडिटिंग सॉफ्टवेयर में फिल्मोरा यूज करती हूँ. और जहाँ तक एडिटिंग की बात है, तो वो डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ कितनी है और उसमें अगर एक्स्ट्रा चीजें लाइक समटाइम्स मैं कुछ मीम्स ऐड कर देती हूँ या साउंड इफेक्ट्स वगैरह, उन सबको ऐड करने में काफी टाइम लग जाता है. मुझे सब का तकरीबन 7-1 घंटा लग जाता है मुझे पूरे एक दिन का, अगर मैं कंटिन्यूअसली करूँ. इफ आई टेक अ ब्रेक तो मुझे इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज मेरा दिल करता है कि मेरी वीडियो हर तरीके से परफेक्ट हो. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, देन लाइक दिस वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट टोटला डूड का. बड़े लोग बग फैन गुलाबी दिल, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे. अगर आपको मौका मिला कोई भी प्लेस विजिट करने का वर्ल्ड वाइड, तो कहाँ जाएंगी और किसके साथ जाएंगी? यार बड़े लोग किधर से हो गए हम लोग. एंड थैंक यू सो मच बग फैन, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं. अगर मुझे मौका मिले वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाने का, देन इंशाल्लाह आई विल विजिट मक्का एंड मदीना, और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि मेरे दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अतीक तनोली का. अपना सेटअप दिखाओ, मतलब कौन सा माइक यूज करती हो, पीसी कौन सा है, एडिटर कौन सा है, सब बताओ. ये बना है हायर कंपनी का, जिसपे मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के गाने भी सुनती हूँ. ये है वो शाहकार कीबोर्ड. हाँ अब थोड़ा साफ लग रहा है. ये है वो शाहकार कीबोर्ड जिससे मैं टाइपिंग करती हूँ. और ये माउस की जगह आप देख रहे हैं, ये मेरे भाई ने गेम्स खेल खेल के इसकी मत बजा दी है. ये है वो माइक जिसको मैं कभी यूज नहीं करती. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. और इस लैपटॉप के साथ दो अदद स्पीकर्स नीचे लगे हुए हैं, आई डोंट नो किधर है, जिस पे मैं अपनी फेवरेट ठिचनक पूजा के गाने सुनती हूँ. ये है वो टोंटियाँ जो मैं इस लैपटॉप में यहाँ पर अटैच करके अपना काम चलाती हूँ. ये भी मैंने अपने भाई से भाड़े पर लिए हैं और ये लैपटॉप है जिस पर मैंने अपना कब्जा जमा लिया है. आर्ट क्रिक्स का क्वेश्चन है, डू यू हैव अ कैच फ्रेज? हेलो गाइस, की हाल है तुम्हारा? दिस इज माय कैच फ्रेज. स्टार्ट में मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ और बोलना चाहिए, बट एक दिन ऐसे ही मेरे मुंह से ये वाली लाइन निकल गई एंड आई लाइक इट सो मच, तो फिर मैंने इसी को अपना कैच फ्रेज रख लिया. फिजान नूर ने कहा है, व्हाट गेव यू द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल? यार लास्ट ईयर रमजान में आई वाज ऑब्सेस्ड विद सना बकेट्स वीडियो, तो मैंने सोचा आई कैन आल्सो डू दिस एंड आई जस्ट स्टार्टेड. फिर क्वेश्चन है आईजी माजिद का, अपने सबसे फेवरेट यूट्यूबर पर रोस्ट करें. सना इज माई फेवरेट यूट्यूबर रोस्टिंग में, तो मैं उन पर रोस्ट कैसे बना सकती हूँ यार, दिल है कि मानता ही नहीं है. और सेकंड गेमिंग में मुझे सैफ गेमिंग बहुत ज्यादा पसंद है और उन पर मैं रोस्ट बना चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने वो रोस्ट नहीं देखा, देन मस्ट वॉच, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख सकते हैं. और हाँ, कमेंट डाउन करें इफ यू वॉन्ट अ रोस्ट वीडियो ऑन सना बकेट ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तान का है, फेवरेट प्लेस टू लैंड? इन पबजी मैंने कभी लैंडिंग नहीं करवाई, हमेशा मेरे टीममेट्स ही करवाते हैं और मैं सोलो खेलती भी नहीं हूँ, तो जिधर वो ले जाए मैं उधर चली जाती हूँ, या जिधर वो बोले मैं उधर ही लैंड करवाती हूँ. मेरी एज इट कोई फेवरेट जगह नहीं है. अल्फा पंजाबियन कहते हैं, एडिटिंग वगैरह किस सॉफ्टवेयर पर करती हैं? आप रोस्टिंग से पहले कोई स्क्रिप्ट वगैरह बनाती हो? एक वीडियो बनाने पर कितना टाइम लगता है? वाई हिरचू. एडिटिंग फिल्मोरा वर्जन 8.2 पर करती हूँ. जी मैं रोस्टिंग से पहले स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, और अगर एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए कंटिन्यूअसली अगर एडिट करना हो, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं. हिरचू वर्ड का मैं पहले Q&A में बता चुकी हूँ. माई फ्रेंड्स कॉल मी हिरचू, मेरा रियल नेम हिरा है. मेरी लास्ट Q&A वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गेट द आंसर देयर.
हसीब खान ने पूछा है, चैनल के लिए एक अच्छा माइक और एक अच्छा डिवाइस लाजमी है। माइक मैंने पहले लिया था, अब नहीं यूज करती। मेरे पास आईफोन है, उसके माइक से ही रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। एंड मेरे ख्याल से लैपटॉप का होना जरूरी है, फोन से इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं हो सकती। बाकी कुछ लोग फोन से भी बहुत अच्छा एडिट कर लेते हैं, बट आई एम मोर कम्फर्टेबल विद लैपटॉप। अरसलान राजा ने पूछा है, देसी लुक और न्यू फैशन? डिपेंड करता है कि भाई मैं कहाँ जा रही हूँ। आई लाइक बोथ बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शफल्ड गाय का, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू विन पीसा अवार्ड्स 2021? होप यू विन दैट अवार्ड समडे। यार आई डोंट नो, ऐसा कभी सोचा नहीं है। बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए तो, और मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे कभी मिलेगा भी, इसलिए नो रिएक्शन फिलहाल। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहे, मेरे लिए वही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन का, तो आप रोस्टिंग ही करेंगे या कंटेंट चेंज भी करेंगे? बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू, प्लीज ट्राई अदर कंटेंट। रोस्टिंग से हटकर अगर मैं कुछ कंटेंट लाऊंगी भी तो व्लॉगिंग होगा, बिकॉज मुझे व्लॉगिंग का ना बहुत ज्यादा शौक है। मेरा कंटेंट अगर चेंज हुआ भी तो व्लॉगिंग ही होगा। और गेम प्लेस का आप लोग बताएं कि मुझे गेम प्लेस यहाँ पर अपलोड करने चाहिए या नहीं। फिर सवाल है पीर साहब का, लगता है पीर साहब ना कोई दम दरूद कर रहे थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। पीर साहब जरा कमेंट करके इसका मीनिंग भी लिखते हैं ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। और सबसे ज्यादा कही हुई बात, तो गाइस मुझे खाने पीने का वैसे ही कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है आजकल, तो बस वीडियोस लगा देती हूँ। और कोई इंटेंशन नहीं होती कि आप लोग को भूख चोक लगे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि भाई आप लोग अनहेल्दी रहें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हेल्दी रहें, तो इस वजह से ये वीडियोस कंटिन्यूअसली अपलोड करती रहती हूँ। गार्ड नंबर टू जी जी, हम दोनों है जो है, हम किसी काम के नहीं है, इसलिए हमें एक गार्डनी भी हायर करनी पड़ी है। हरी मिर्च को भी बुलाया है हमने अपनी आज टीम में। मैम लार्ज फैन, मैम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ही, मीडियम लार्ज, मीडियम मैम। यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट डाउन करें कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर होनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो किसका वेट करें भाई, जाके फॉलो करें ना। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।